बस भी करो, नॉन स्टॉप कॉल लगा रहे हो, ब्रेक ले लो थोड़ा, ये लो। अभी तक कल्प्रिट का पता नहीं चला है हमें। कोई नहीं, बहुत सारे नंबर्स बचे हैं और पूरी रात हमारे पास, मिल जाएगा। अच्छा आलिया, वैसे ये ऑर्डर बुक मिली कैसे तुमको? Don't tell me, आलिया, तुमने चोरी की है? आलिया? Oh God, आलिया तुम ऑर्डर बुक चुरा के लेकर आई हो उस दुकानदार से? अरे मद्रासन कैसी बातें कर रही है? अरे दुकानदार ने खुद आलिया से कहा, आलिया मैडम मैं गिफ्ट रैप करके दे दूंगा आपको मेरी ऑर्डर बुक। क्या वो मजाक सोचता रहता है आलिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? That's wrong. I'm sorry, अम्मा मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, मुझे बस जानना था कि ये सब किसने किए, इसलिए मैंने वो वहां से चुरा ली। But I promise, जैसे हमारा काम पूरा हो जाएगा ना, मैं पर्सनली जाकर उनको लौटा दूंगी। और सॉरी भी कहना उन्हें, हाँ गलत बात है। आई होप कि तुम्हें वहाँ किसी ने देखा नहीं, वरना भरोसा नहीं तुम्हें बुक चुराने के इल्जाम में अंदर करवा देंगे। ध्यान से करना चाहिए ना, मतलब केयरलेस नहीं होना चाहिए। समझ रही हूँ ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या करती हो आलिया यार, एक छोटी सी चोरी करना नहीं आता? अरे इतनी बड़ी 420 घर में है, इसे सीख लिया करो। अच्छा सुना, जिसे तुम्हें देखा था वो दुकान में काम करता था या कोई कस्टमर था? नहीं, शॉपकीपर तो नहीं था, बट कोई कस्टमर ही था। मैं कार से टकराने वाली थी और उसने आके मुझे बचा लिया। उसने मुझे देखा पर कुछ कहा नहीं, और मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी ना, मैं बिना थैंक यू बोले वहां से निकल गई। मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। पर आलिया ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें बुक चुराते हुए देखा ही नहीं, मे बी उसका कोई और ही मोटिव था। तुम गाड़ी से टकराने वाली थी, वो राजकुमार अपने बेटा जो चीज काम हो ना वो ज्यादा खर्च नहीं करते। पापा काम डाउन, चलो अभी काम पे लग जाए वापस, बहुत सारे फोन कॉल्स करने हैं अभी भी। चलो पता नहीं वो कौन था। I am in love. वो भाई कौन है वो बंदी और रहती कहाँ पे? किससे प्यार हो गया भाई? और दिल्ली की है क्या? और हम लोगों को जानती है? भाई कुछ तो बोल यार। कुछ नहीं जानता काके, बस इतना जानता हूँ कि मैंने उसे गिरने से बचाया और खुद उसके प्यार में गिर गया। जब उसने मेरी तरफ देखा ना भाई, जादू सा कर गई भाई। पहली नजर का प्यार? ओ भाई ये कैसा प्यार है? और बंदी का नाम तो पूछा होगा तूने? कुछ नहीं पूछा, उसने मेरी तरफ देखा, मैं देखता ही रह गया, नजर ही नहीं हटी उससे भाई, पता ही नहीं चला कब चली गई। उसको ढूंढेंगे कैसे? कहाँ चली गई? ढूंढेंगे, मैं ढूंढूंगा। अबे हाँ यार, ढूंढूंगा कैसे? अबे ढूंढ लेंगे, वो क्या है ना, उसने उस दुकान से बुक चुराई है काके, लौटाने तो आएगी। बुक चुरा के भागी? ओ भाई चोरनी से प्यार हो गया क्या तुझे? चोरनी भाभी लाएगा हमारे लिए। अबे चुप करो तुम दोनों के दोनों गंदे, चोर नहीं है वो। अबे हाँ यार चोरी तो है, चोरी तो है, तुम्हारे प्रा का दिल चुराया उसने। ये तो गया। मॉम, मॉम, मॉम खाना खा लो, आ जाओ। कल सुबह होते ही मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कन्फेस करूंगी, मेरा बेटा मेरे लिए जेल में नहीं रहेगा। रिलैक्स मॉम, आपको कन्फेस करने की कोई जरूरत नहीं, हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेंगे, रोहन को हम वापस घर ले आएंगे। बट अभी ना आप चल के खाना खा लो, बहुत लेट हो गया। नहीं कर, ये इतना आसान नहीं है, अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। अपना ही को साइड में रखकर मैं गई थी इशिता से मिलने, उसके सामने मैंने भीख नहीं मांगी लेकिन उसने मेरी भीख नहीं सुनी। हमारे पास सिर्फ एक ही सलूशन है और वो है
वो है मेरा कन्फेशन। मॉम प्लीज रो मत, प्लीज। अच्छा ठीक है, हम ना हम कल सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है? आप आओ, चल के खाना खाओ, आज आओ। पहले आप कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो और हम घर चलते हैं। आपको ना आराम की बहुत जरूरत है। बैठो। और मॉम मुझे क्या लगता है ना कि अगर भाई अगर एक रात जेल में बिता लेगा तो शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, वो हमारी बात समझने लगे। नहीं करण, वो रोहन ये बात नहीं समझ पाएगा, बहुत जिद्दी है वो, बिल्कुल मेरी तरह। कुछ तो करना पड़ेगा वरना मॉम भाई के लिए जेल चली जाएंगी। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, पर क्या करूं? मैंने काफी सारे नंबर्स अपने मोबाइल में नोट डाउन कर लिए जिन्होंने फोन नहीं उठाया था, कल ट्राई करते दोबारा इनको। एक काम करो तुम लोग यार, बाकी के फोन कॉल तुम लोग कर लो, बिकॉज़ आई एम टायर्ड। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया बहुत लेट हो गया है। ठीक है अम्मा, मैं करती हूँ। गुड नाइट। मम्मी जी क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो आप? पुत्र वो ना मेरी दवाई खत्म हो गई है, मैं चेक करने जा रही थी कि आलिया दवाई लाई है कि नहीं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन उसके पास है ना, जरा तू जाकर देखना। तो मैं लेकर आती हूँ ना, मैं देखती हूँ। आलिया वॉशरूम में फाइल। दवाइयाँ कहाँ रखी इसने? मुझे लगता है लाई नहीं दवाई, भूल गई। आलिया जी, हाउ आर यू? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को क्यों कॉल किया? कौन बोल रहा है? मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। आई मीन सुधा जी का मैनेजर। अभी अभी आपने फोन किया था, क्या बात है? आई थिंक उससे ना गलती से लग गया होगा आपको फोन, बटन दब गया होगा गलती से, कोई काम नहीं था वैसे यहाँ। सुधा का मैनेजर, मतलब ये सुधा के मैनेजर ने उस मिठाई का ऑर्डर दिया था सुधा के कहने पे, और इसका साफ मतलब ये कि रोहन अपनी माँ का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। अब ये बात मैं रोहन के मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ। जरूर करण का ही काम है। करण दरवाजा खोलो, करण मेरी बात सुनो प्लीज, करण दरवाजा खोलो, करण दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं मॉम। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा। खुद को सरेंडर करने की स्टुपिडिटी मैं आपको नहीं करने दूंगा। ये बेवकूफी मत करो करण, रोहन तुम्हारा भाई है, अगर मैं नहीं गई तो उसे कौन बचाएगा? प्लीज करण, प्लीज। मॉम आप दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हैं। इस वक्त आप माँ के नजरिए से देख रहे हो, आपके ऊपर कई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सर्वोदय हॉस्पिटल का नाम जुड़ा हुआ है आपसे, रेपुटेशन जुड़ी हुई है आपसे, और भाई की एक स्टुपिडिटी के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा रहे हो। नहीं, भाई से मैं बात करूंगा, उसे जेल से बाहर मैं निकालूंगा, और उसे निकालने के ना मॉम हजार तरीके हैं,
उसके लिए आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। आई टेक केयर ऑफ हिम। तुमसे कोई मिलने आया है? मैंने कहा ना आपसे, मुझे अपनी मॉम से नहीं मिलना, समझ नहीं आता आपको? रोहन, इश्मा, आप यहां? इश्मा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो आप प्लीज चाहिए। मुझे तुमसे बात करनी है रोहन। रोहन, मुझे पता है तुम जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तुमने ये सारा इल्जाम अपने सर पे लिया है तुम्हारी माँ के लिए। नहीं इश्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो नजरे क्यों चुरा रहे हो मुझसे? जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? इश्मा, आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती? रोहन, उस दुकान की ऑर्डर बुक है जहां से वो मिठाई आई थी जो तुमने रमन को खिलाई थी, उस काजू कतली में तुमने ड्रग नहीं मिलाया था, और ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि इसमें वो सारे फोन नंबर्स हैं जिनसे ऑर्डर किए गए थे मिठाइयों के, और इनमें एक वो नंबर भी है जो कि तुम्हारी माँ के मैनेजर का नंबर है, और मेरे लिए इतना एविडेंस काफी है। इश्मा, प्लीज प्लीज ये बात अब किसी को मत बताइएगा। मैं जानता हूँ कि ये सब मॉम ने किया, लेकिन ऑनेस्टली मैं मॉम को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। एंड ट्रस्ट मी, मैं जेल में हूं, इससे बड़ी सजा मॉम को मिल ही नहीं सकती। लेकिन प्लीज प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि ये सब मॉम ने किया। चलो चलो, टाइम ओवर। आ रही हूं। रोहन, तुम बदल गए हो, तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो, और एक अच्छे इंसान को मैं परेशानी में नहीं देख सकती। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी। कैसे ये मैं नहीं जानती, पर मैं तुम्हें यहां से निकाल के रहूंगी रोहन। इश्मा, इश्मा प्लीज प्लीज, मेरी मॉम को अरेस्ट करवाना। चलती। पर इश्मा, इश्मा प्लीज, आप मॉम से। यार मीटिंग का वक्त हो रहा है, मद्रास सिंह कहां चली गई, फोन भी नहीं उठा रही। रोहन से क्या कहूं मैं, रोहन को छुड़वाने के लिए मानेंगे भी या नहीं? कहां है रिश्ते, कमाल कर रही है, फोन तो उठाया कर यार, मीटिंग में एक घंटा बचा है, तू कहां चली गई थी? रमन, I'm sorry, मैं लेट हो गई थी, वेरी सॉरी, कुछ काम था इसलिए मैं। कौन सा अर्जेंट काम है? तू कमाल कर। पापा थैंक गॉड आप मुझे मिल गए, थोड़ा आप निकल गए होंगे, मुझे ये पेपर्स पे आपकी साइन चाहिए, लास्ट मिनट है, सॉरी वो भूल गई थी पहले साइन। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, वो आज नए इन्वेस्टर्स के साथ भी मीटिंग है, आपको याद है ना? हाँ, इन्वेस्टर्स की मीटिंग में। एक काम करो, तुम ऑफिस के रेडी हो जाओ, मुझे फोन करो, मुझे कुछ फंड डिस्कस करना है। ठीक है, ओके। रमन सुनो ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई अर्जेंट बात है क्या? मीटिंग में बात कर लें। पर मैं वैसे बहुत नर्वस हो रहा हूँ यार, मैं उस आदमी से मिलने जा रहा हूँ जिसको मैंने कल गोली मारने की कोशिश की। आई डोंट नो हाउ विल आई फेस हिम, हाउ विल आई से सॉरी टू हिम। ये बातें तो मीटिंग में बात कर सकती हूँ, इफ इट कैन वेट। आई अंडरस्टैंड रमन, इट्स ओके, हम बाद में बात करते, यू रिलैक्स, हम चलते, ठीक है? मजा आ गया। अबे अबे, तू अभी तक सो रहा है? तूने तो कहा था साले मेरे साथ जिम जाएगा तू। ए साले, 11 बजने को आ गए हैं, उठ। अबे उठ, अबे ये पिल्लो है, बंदी नहीं है भाई, क्या कर रहा है, आंखें खोल। नहीं भाई, मैं अपनी आंखें नहीं खोलने वाला है? भाई अगर आंखें खोलूंगा ना तो मेरी रानी मेरी आंखों के सामने से उड़ जाएगी। अबे क्या हो गया बे इसको? रहने दे भाई, रहने दे, ये नहीं उठने वाला। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है लेकिन इस पे कोई असर नहीं। अबे इसका तो कट गया बे। अबे क्या दीवाना बना, कहता है आंखें नहीं खोलूंगा। भाई सिर्फ दीवाना दीवाना परवाना मस्ताना अनजाना मजनू रांझा पता नहीं क्या क्या बन के बैठा उस बंदी की प्यार में। ये ऐसे नहीं उठने वाला। रुक, मैं उठाता हूँ इसे। युग, युग उठ जा। देख भाई, सपने देखना अच्छी बात है लेकिन भाई अब जाग जा और रियल वर्ल्ड में आ जा। जो तेरा काम है ना सिम कार्ड बेचना, उसे स्टार्ट कर दे।
वैसे भी मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इसके चाचा और चाची इसे घर से बाहर ना निकाल दे। इतने दिनों से घर नहीं गया, कहीं उन्हें ये ना लगे कि तूने घर छोड़ दिया। भाई उठ जा भाई, अबे किसके प्यार में पड़ा हुआ है? ना तुझे उस लड़की के बारे में कुछ आगा पता है, ना उसका कुछ पीछा पता है, हैं? तो कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में तेरे पास? इन्फॉर्मेशन तो है भाई। क्या? क्या भाई? जब मैं उसके ऊपर गिर गया था ना, जब मैंने उसे बचाया था, तब उसने अयो बोला था। अयो? हाँ अयो। अयो क्या होता है? अबे क्या होता है? अबे तुमने साउथ इंडियन पिक्चरें नहीं देखी क्या? हाँ उसमें देखा नहीं, हीरो की माँ बोलती है अयो मेरा बेटा, अयो मेरा पार्टी। का मतलब ये वर्ड अयो साउथ इंडियन लोग बोलते हैं? हाँ इसका मतलब तुम दोनों की भाभी साउथ इंडियन है। भाई अभी हम पता क्या करेंगे, अभी हम साउथ इंडियन टेम्पल में जाएंगे सारे, हैं? और वहां ढूंढ लेंगे तुम्हारी भाभी को। पागल पागल हो गया क्या? क्यों? बचपन में सर के बल गिरा था कि नर्स ने थप्पड़ मारा था। तुझे पता है हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। और दिल्ली में कितने मंदिर है? तू चाहता है कि हम सारे मंदिरों को चक्कर काटे? अपने भाई के लिए इतना नहीं करोगे? हे बाबा जी, इसका मतलब तू सानू भी लेके जा रहा है? मेरा इंटरव्यू सीगा यार, आज मैं लेट हो जाऊंगा भाई। कितने गंदे हो यार तुम दोनों, हैं? मुझे कुछ काम आया तो मेरा इंटरव्यू सीगा? वैसे तो बड़ा बोलते रहते हो भाई के लिए जान दे देंगे, भाई के लिए जान दे देंगे। अबे तुम्हारी लाइफ से कुछ मिनट या कुछ घंटे क्या मांगे? तुम्हारी जान निकल गई? अबे हटो। और तू, तेरे लिए किडनैपिंग नहीं करी थी? तब तो नहीं मैंने बोला कि मेरा इंटरव्यू है, मुझे सिम कार्ड बेचने गया था ना मैं तेरे साथ? हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा नाटक भी मत कर। अब दोस्ती करी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। तूने भी तो मेरी कितनी हेल्प करी है। ठीक है हम चलेंगे तेरे साथ। हाँ ये हुई ना बात। और तू जाएगा ना? हाँ चलूंगा। अब किलो तो छोड़ दे भाभी है तुम्हारी, मैं रेडी होके आता हूँ। बाबा जी अब तुसी बचा सकते हो दीवाने आशिक में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।